रघाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। आपका मेजबान सागर रफीक। बात करते हैं हम G20 की, तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि G20 को लेकर पहला काफिला इस वक्त श्रीनगर के अंदर आ चुका है। अब दूसरे काफिले की इंतजार है और लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये पहले काफिले की तस्वीरें हैं और G20 को लेकर आज पहली बैठक होने वाली है SKICC में। आप देख रहे हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त तस्वीरें आपको सामने आ रही है, ये तस्वीरें जो है G20 को लेकर और पहली बैठक के साथ लोगों की उम्मीदें पे हैं। कश्मीर घाटी की लोगों की उम्मीदें भी यही है कि G20 को लेकर जो है बड़ी उत्साह में लोग हैं और यही मानना है लोगों का। कुल मिलाकर जब हमने लोगों के साथ भी बात की, उनका मानना भी यही है कि कहीं ना कहीं जो है कश्मीर घाटी के अंदर तामीर तरक्की का नया दौर शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए कैमरा पर्सन शाहिद मकबूल के साथ मैं सागर रफीक श्रीनगर से। देख पाएंगे ये डेप्टेशन यहाँ से निकलकर SKICC से पहले ताज विमान तक जाएगा, जहाँ पर कुछ वक्त आराम करने के बाद और 2 से 3 बजे के बीच में इन्हें SKICC पहुँचना होगा। और ट्रैफिक देखिएगा कि कोई ट्रैफिक की आवाजाही सिविल की नहीं है, जबकि इमरान आपको दिखाएगा कि झेलम में जो हमारे नेवी तरफ से अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी कर रहे हैं और न सिर्फ जमीनी बल्कि आबी कमांडो जो है वो बिल्कुल इस डेप्टेशन के साथ साथ इसको एक्सपॉर्ट कर रहे हैं ताकि कोई इस तरह का नहीं वाक़ा पे एयरपोर्ट से 2 बजे के बाद यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगा। पहले डेप्टेशन में जो हमें जराए बता रहे हैं उसमें न सिर्फ कंट्री के बल्कि फॉरेन कंट्रीज के जो सीनियर सेक्रेटरीज हैं, सीनियर अधिकारी हैं, अफिसर्स हैं, वो इस काफिले में मौजूद थे। और कुछ वक्त के बाद जो है श्रीनगर में बाजा तौर पर इस डेप्टेशन ने अपना G20 समिट का जो पहला फूट होगा वो रखने के बाद अब कुछ देर बाद आएगी।